कुशाल कोडियान अपनी गर्लफ्रेंड पायल और सिम्बा के साथ पहुंचे तेजस्वी के घर पर। वहीं ये था एक काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट। और क्या कुछ सिम्बा और तेजस्वी के बारे में कहते हुए नजर आए हैं विशाल कोडियान, क्या रहे उनके रिएक्शन, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पर बात करें विशाल कोडियान की और तेजस्वी प्रकाश की, तो ये दोनों मिले थे बिग बॉस के घर में, और जहाँ इन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अलग बन गया था। दोनों ने एक काफी प्यारी फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड जो है एक दूसरे से शेयर की। वेल, बिग बॉस के बाद जो कि अब यू नो विशाल कोडियान पहली बार तेजस्वी प्रकाश से घर के बाहर मिले हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए विशाल कोडियान। वेल, मैं आपको बता दूं कि कई सारे वीडियोस फोटोग्राफ्स भी सामने आए जहां पर विशाल कोडियान जो है तेजस्वी के बप्पा के दर्शन करने गए, तो यहां से कई सारे फोटोग्राफ्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां पर कारण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, सिम्बा नागपाल भी नजर आ रहे हैं फोटोग्राफ्स में। वही मैं आपको बता दूं कि विशाल कोटियान का कहना है कि तेजस्वी और उनका बॉन्ड काफी प्योर था, और कौन कहता है कि बिग बॉस में फ्रेंड्स नहीं बनते। ये जीता जाता एग्जाम्पल है जहाँ पर यू नो उन्हें इतनी प्यारी यू नो दोस्त मिली। वेल, एक होते हैं सिर्फ दोस्त, एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और एक होते हैं फ्रेंड्स फॉरएवर। वेल, हम लोग जो हैं वो फ्रेंड्स फॉरएवर हैं, और काफ़ी यू नो इमोशनल मोमेंट था क्योंकि बिग बॉस के घर में मिले थे और ढेर सारी मस्तियाँ की थी, ढेर सारी बातें की थी वहाँ पर। और अब जो है हम बिग बॉस के घर से बाहर जो है पहली बार मिल रहे हैं काफ़ी समय बाद। दरअसल तेजस्वी प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी बिग बॉस से निकलने के बाद, उनका नागिन सीरियल चल रहा था। साथ ही विशाल कोटियान का कहना है कि मैं मराठी मूवीज़ में बिजी हो गया था, तो इसके चलते मैं तेजस्वी से नहीं मिल पाया, लेकिन हाल फिलहाल मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये फीलिंग जो है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, काफ़ी इमोशनल फीलिंग है। तो ऐसे में विशाल कोटियान अपने रिएक्शंस देते हुए नजर आए हैं। क्या है आपके रिएक्शन और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।